नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज की इस खास पेशकश में हम न केवल दिन भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण कराएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आज आपके लिए क्या खास रहा। हम आपको आज के बिग न्यूज़ बिग शो में बताएंगे कि राजस्थान चुनाव में JJP के उतरने के मायने क्या हैं, उनका मकसद क्या है। इस शो में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने कैबिनेट बैठक में किन किन वर्गों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। हम आपको दिखाएंगे कि बिहार में ट्रेन पटरी से कैसे उतर गई और कितने लोग हताहत हुए। लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जातिगत जनगणना की। देश में पिछले कई सालों से जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठ रही है। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे करवाया है, इसके बाद अब ये मांग हरियाणा में भी जोर पकड़ने लगी है। हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसकी मांग कर रहा है, तो वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये हम आपको इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की चिंगारी भड़क चुकी है और इस सियासी चिंगारी की आग अब हरियाणा भी पहुंच चुकी है। हरियाणा के सियासी गलियारे में अब जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश के साथ साथ हरियाणा में भी जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की है। जरा सुनिए इस मांग के पीछे क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दलील। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। उसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। उसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस मांग पर कटाक्ष किया है। मनोहर लाल का कहना है कि कांग्रेस इस मांग के जरिए देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सारा डेटा उपलब्ध है और उनकी सरकार गरीबों के हक में काम कर रही है। समाज की एकता अखंडता को जितना बड़ा धक्का पहुंचाने की इनकी मुहिम चल रही है तुच्छ राजनीतिक कारणों से, ये मैं समझता हूँ कि देश के लिए भी प्रदेशों के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इस प्रकार की डिमांड ना पहले हुई है ना अब हो रही है, और उसका कारण भी है। कारण यह है कि हमने समाज में जो तकलीफ वाला वर्ग होता है, जो डाउनट्रोडन है किसी भी कारण से, जो नीडी है, उन सब की आवश्यकता पूर्ति, उनका ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, ये हम पहले से करते हैं। आखिर हमारा फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र, इसी काम करने के लिए तो बनाया हमने। अगर हम BPL की संख्या गिने तो पहले तो सिर्फ 1,20,000 रुपया वार्षिक आय जिसकी होती थी उसी के नीचे BPL होता था, और हमारे राशन कार्ड भी 23-24 लाख ही थे, लेकिन हमने PPP बना करके उस स्लैब को बढ़ाया, 1,80,000 किया। राशन कार्ड की संख्या जहाँ तक है वो 30 लाख से ऊपर 34 लाख हो गई है। हमारा ये जो आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा है ये भी 1,80 तक 29 लाख, ये हो गया था 29.5 लाख, 8 लाख अगला हमने 3 लाख तक का ये कर दिया, 37 लाख परिवार हो गए, कुल 70 लाख परिवार हैं। 55% लोगों को हमने इस प्रकार की राहत देने का प्रावधान किया है, जिनको जो नहीं मांगते थे उनको भी हम दे रहे हैं। यानी 12.5 लाख राशन कार्ड तो हमने उनके घर बैठे बनाए हैं। 1 लाख से ऊपर हमने ओल्ड एज पेंशन, जिन्होंने हमसे आके मांगी नहीं, उनको वेरीफाई करके उनके घर जा कर के दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ सुविधाएं हम देते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती हो। और हम तो अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया है ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज़्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। 1,10,000 जो नौकरियां अभी तक दी हैं, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं था, कितने ही वो टैलेंटेड हो जाते थे, आज नौकरी मिलने के बाद उन परिवारों के अंदर जब समाचार पहुँचता है तो वो समाचार जब पहुंचता तो उनको हैरानी होती है कि अच्छा हमें नौकरी लग गई।
काबिले गौर है कि पिछले कुछ सालों से देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठ रही है। हाल ही में बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना करवाकर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की है और अब हरियाणा में भी जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में ये देखना होगा कि देश और प्रदेश की सियासत में जाति के और कितने रंग देखने को मिलते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने अब हरियाणा के बाद राजस्थान का रुख किया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राजस्थान में 25 से 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान का कुछ एरिया हरियाणा के बॉर्डर से लगा हुआ है। जेजेपी वहां पर जाएगी तो क्या हासिल कर पाएगी, ये दर्शाने की कोशिश है बिग न्यूज बिग शो की हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। हरियाणा में सत्ता में भागीदार जेजेपी ने अब अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। जेजेपी ने राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 25 से 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 25 से 30 सीटों पर जसपा जरूर चुनाव लड़ेगी जैसी भी परिस्थिति हो, और इतना हक जननायक जनता पार्टी का बनता है वो हमने क्लेम किया है और उस पर पीछे भी बात हुई। आगे के लिए जो अनूठा प्यार वहाँ के लोगों में राज सीकर की रैली में आपने देखा भी, और अब हम परसों जो है रोड शो पे निकलेंगे। दुष्यंत जी के 4 दिन के कार्यक्रम लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना उत्साह हम सुन रहे हैं, चर्चा चल रही है, ये राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़े रोड शो होंगे और बदलाव परिवर्तन, कांग्रेस की भ्रष्ट कमज़ोर जो शासन है, कुशासन है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम जननायक जनता पार्टी उसमें अहम भूमिका निभाएगी। राजस्थान चुनाव के लिए जेजेपी ने कमर कस ली है। चुनाव लड़ने की तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी किसी भी चुनाव में अपने दम पे तैयारी करती है, गठबंधन हो ना हो ये बात की स्थिति है। कुछ सीटें बीजेपी ने अनाउंस की हैं। हमारी पहली लिस्ट जो है पहले नवरात्रे, क्योंकि नवरात्रों को शुभ मानते हैं, पहले नवरात्रे पे हमारी भी आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की पहली लिस्ट आई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। जेजेपी ने इस बार ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस राजस्थान के सीकर में मनाया था। ऐसे में गौर करने वाली बात है कि जाटलैंड के रूप में पहचान रखने वाली शेखावाटी में जेजेपी पार्टी कुछ दिन से सक्रिय दिखाई दे रही है, लेकिन ये सक्रियता कितनी सच साबित होती है ये तो चुनावों का परिणाम बताएगा। सिरसा से सूर्य समाचार के लिए नकुल जसूजा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं हरियाणा कैबिनेट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लिए गए फैसलों की। इस बैठक में लगभग 40 फैसले लिए गए। पत्रकारों को लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, पेंशन बढ़ाकर अब पत्रकारों को 15,000 कर दी गई है। इसके अलावा और कौन कौन से फैसले हैं, किन लोगों को बस किराया घटाकर राहत दी गई है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर सरकार की कैबिनेट लगातार जनसंवाद कर रही है, जनता से रूबरू होकर असल मुद्दे को जानने समझने का प्रयास कर रही है और फिर उसी के लिहाज से जरूरी फैसले ले रही है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में 40 एजेंडे पेश किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। चलिए आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि कौन से फैसले जनहित में लिए गए। पुराने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर बनी पॉलिसी ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर को लेकर बनाई गई नई पॉलिसी। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल इस्तेमाल को 6 महीने में रेगुलर करवा सकते हैं। रेगुलर करवाने के लिए 6 महीने के अंदर करना होगा अप्लाई, नहीं तो फाइन लगेगा। हर एक सब डिवीजन को उप जिला किया गया घोषित, आमजन वहां भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करें। इस प्रकार के जो टाउन कंट्री प्लानिंग लाइसेंस दिए हुए हैं, जिनको ऐसी प्लैंड जो कुछ कॉलोनी है उनको छोड़कर अनप्लैंड जो क्षेत्र था कोर एरिया,
उसमें रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया। उदाहरण के लिए मालटाउन पानीपत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मालटाउन रोहतक देखते हैं, उदाहरण के लिए करनाल में कुंजपुरा रोड का एरिया जो सब देखते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में बड़े बड़े मॉल सब कुछ बन गए हैं। इन सबको रोगराइज करने की पॉलिसी हमने बनाई है और उसका भी तय किया है कि वो जो कॉलोनी है कम से कम 50 साल पहले बनी हुई हो। ऐसे 50 साल पहले के जो आवासीय भूखंड हैं उन पर ऐसे जो भी एरिया है उसको हमने कमर्शियल करने का भी तय कर लिया। अगर किसी ने अपने प्लॉट को डिवाइड भी कर लिया है तो ऐसे डिवाइडेड प्लॉट्स को भी हम कमर्शियल करने के लिए जो एरिया वो चाहेंगे अप्लाई करेंगे उसको हम दे देंगे। और इसका भी हमने कोई तिथि तय की है क्या कि कब तक अप्लाई करेंगे? सर 6 महीने। 6 महीने यानी अब से 6 महीने, 3 महीने इस साल के लगा लें, 3 अगले साल के, 23 मार्च मोटा मोटा मान के चले कि तब तक वो अप्लाई कराएंगे। उस समय तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उनको एक फाइन भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, वो हम करेंगे। बसों के किराए में किया गया बदलाव। 7.5 किलोमीटर तक बस किराया 5 रुपए होगा। बस में मुफ्त में सफर करने वालों का स्मार्ट कार्ड बनेगा। इसके अंदर जो किराया है पहले 5 रुपए के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 1 रुपया लिया जाता था। आज हमने तय किया है कि अब 7 किलोमीटर तक, रादर 7.5 किलोमीटर तक भी 5 ही रुपये रहेंगे। वो जो पहले था 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, तो अब वो 6 रुपये, 7 रुपये के बजाय 5 रुपये हो जाएंगे। और अगर 8 रुपये, 9 रुपये में स्लैब में पहुँच गए तो 10 रुपये हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ हमने उसको डिवाइड कर दिया, उसका ना कोई कम है ना ज़्यादा है। एक जिसको कहना चाहिए उसकी स्लैबिंग सिस्टम ये बदला है। पहले 6, 7, 8, 9, 10 था, अब 6, 10, 15, 20, 25, 30 5 से नीचे 5। वो तो पहले भी 5 ही है, मिनिमम किराया पहले भी 5 ही है, अब वो 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आगे हर 1 रुपये का जो स्लैब था उसको कुछ नीचे ले आए, कुछ ऊपर ले जाए, 2 नीचे ले आए, 2 ऊपर ले गए, ताकि 1 रुपये की जो चेंज है, 1 रुपये का जो छुट्टा रुपया, इसकी बहुत बड़ी समस्या होती थी। कंडक्टर पैसे वापस देता नहीं था, उठा के 10 का नोट लिया जेब में, टिकट चाहे 6 की देगा चाहे 7 की देगा, वो वापस पैसे देते रहते हैं, छुट्टे नहीं है। डिपार्टमेंट को मिलेंगे? नहीं, डिपार्टमेंट के जाएंगे भी आएंगे भी, जाएंगे भी आएंगे। हाँ, मतलब 6 और 7 जो लेता था वो 5 ही लेंगे। 2 कम हो गए, 8 और 9 10 हो गए। तो अल्टीमेटली कोई कस्टमर के ऊपर ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन एक सिस्टम चेंज किया हमने। हाँ, इसमें बड़ी मात्रा में अब लोगों ने पास लेने शुरू कर दिए हैं, जो हमारा ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो गया है। ई टिकटिंग में 5% रिबेट हम जो एक्चुअल किराया है उसमें देते हैं। 100 रुपये का पास 95 रुपये मिलेगा, अगर 200 रुपये का पास लेना तो 190 रुपये मिलेगा, 190 में लेके 200 रुपये की टिकटें उसी इसी रेट के हिसाब से, और उसमें एग्जैक्ट कटेगा। उसमें अगर 6 है तो 6 कटेगा, 7 है तो, बल्कि 7.5 है तो 7.5 ही कटेगा। 9 रुपये 70 पैसे तो 9.70 कटेगा, क्योंकि उसमें ना लेना देना किया, अपना स्वाइप किया और पैसा कट गया। और उसमें ये जो फ्री वाले भी हैं इनको भी पास से ही चलना पड़ेगा। अच्छा जी, चाहे पुलिस वाले या कोई भी होगा, ताकि फ्री कितना ट्रेवलिंग किया तो हाँ, सब पास है जो सब है, नहीं वो पास तो होगा ना, अब वैसे ही पास था दिखाया, अब स्वाइप करना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्ट कार्ड है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक क्लिक में 5,90,99,000 रुपए बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजे और अब तक कुल 7,50,99,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वहीं घर, पशुधन, कमर्शियल और घरेलू सामान के कुल 8,456 क्लेम मिले थे, जिसमें पहले भी 40 मृतकों के परिजनों को दिए गए थे 1,60,00,000 रुपए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नूह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड को 50 लाख और 4 नागरिकों को 4,40,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। साथ ही नूह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई जिम्मेदार और चिन्हित दंगाइयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लगातार एक के बाद एक जनहित में लिए जा रहे फैसलों से प्रदेश की जनता जरूर राहत की सांस लेगी। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। हरियाणा के बाद अब बात बिहार ट्रेन हादसे की। उड़ीसा के बाद बिहार में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। इसमें लगभग 4 लोगों की मौत की अभी तक पुष्टि की जा चुकी है, जो आंकड़ा बढ़ सकता है।
इस दुर्घटना में लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। क्यों हुआ ये हादसा, कौन है इसका जिम्मेदार, ये पता लगाने की कोशिश है हमारी ये अगली रिपोर्ट। उड़ीसा रेल हादसे का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि बिहार में बेपटरी हुई ट्रेन ने नया जख्म दे दिया और देश में एक बार फिर से मातम का माहौल है। दरअसल बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक ये हादसा ब्रेक लगाते हुआ जब नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कुछ बोगियां खेतों में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौके का मुआयना करने पहुंचे और दुख जताया। अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूंगा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि 4 लोगों की दुखद मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। और मुझे जैसे ही 10 बजे के लगभग खबर मिली, मैं नौकेशिया में पहुंचा ही था इधर से, और मैं वहीं से बैक कर गया और वहां लगातार मैंने रेल मंत्री से लेकर के NDRF और तमाम SDRF सबको खबर किया, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी DGP और सारे यहाँ के DM इत्यादि जितने भी बगल अगल के DM हॉस्पिटल के तमाम जगह पर हमने व्यवस्था कहा कि आप कायम रखिए। आम जनता को आग्रह किया मीडिया के माध्यम से कि आप रस करें और लोगों की जान बचाने में आप सहयोग करें, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया है मैं साधुवाद दूंगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रेल हादसे पर दुख जताया। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही पता चला है रात में सब लोगों ने वहां पर काम किया है, 4 का डेथ हो गया, 1 का रिश्ता यहां का है, बिहार वालों को देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए हम सबको उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम वाला की है तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगह रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक एक तरह से देख लिया है, तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है। वहीं रेलवे ने भी मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। दरअसल गाड़ी दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से अपने गंतव्य कामाख्या की ओर जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब बक्सर जंक्शन से ये ट्रेन आरा के लिए रवाना हुई थी और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके बाद अन्य ट्रेनों को रोका गया है। घटना के बाद से हावड़ा नई दिल्ली रूट पर ट्रेनों का परिचालन भी बाधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। देवभूमि में वो क्या कर रहे हैं और उनके जाने का मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज बिग शो की हमारी ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ के कणकण में ईश्वर का वास है, जहाँ रहते हैं साक्षात महादेव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव जग जाहिर है। जब भी समय मिलता है पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि की यात्रा पर निकल जाते हैं। भारत माता की जय। एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर पिथौरागढ़ के ज्योतिर्लिंग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। इस व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्थान पर बैठकर प्रकृति की गोद में ध्यान साधना भी की।
आपको बता दें कि ये क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, पार्वती कुंड में दर्शन पूजन किया और डमरू और शंख भी बजाकर महादेव की आराधना की। और फिर पीएम नरेंद्र मोदी चीन सीमा से सटे गुंजी गांव पहुंचे, जहां के स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी भी ग्रामीणों के रंग में रंगे नजर आए और नगाड़े बजाए। पीएम मोदी ने गांव के लोगों के साथ संवाद भी स्थापित किया। आपको बता दें कि गुंजी व्यास घाटी की उस सुरक्षित जमीन पर है जहां न भूस्खलन का खतरा है और न ही बाढ़ का। वर्तमान में यहां 20 से 25 परिवार ही रहते हैं जो बमुश्किल अपना खर्च चला पाते हैं। गुंजी के दाई तरफ से नाभी ढांग ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, तो बाई तरफ से आदि कैलाश और जॉलीकॉन्ग का ये गांव कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि करीब 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में 224 पत्थर के मंदिर हैं। वहीं पीएम मोदी ने यहां पर सेना, आईटीबीपी और बीआरओ कर्मियों के साथ बातचीत और मुलाकात कर सीमा के हालात पर चर्चा भी की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और साथ ही पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी करीब 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति साधना देखते ही बनती है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी की देवभूमि की यात्रा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से भी जुड़ी हुई है और 2024 लोकसभा चुनाव से भी। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि बीजेपी प्रधानमंत्री की उत्तराखंड यात्रा का आगामी चुनाव में भरपूर लाभ लेने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिग न्यूज बिग शो के अंत में अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। कभी लिंग अनुपात के मसले पर हाशिए पर खड़ा हरियाणा अब एक नई मिसाल कायम कर रहा है। अभी जो सर्वे किया गया है उसमें लिंग अनुपात में काफी सुधार देखा जा रहा है। पलवल इसमें पहले नंबर पे है तो दूसरे नंबर पर पंचकुला खड़ा दिखाई दे रहा है। पानीपत की धरती से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रदेश भर के साथ साथ पलवल जिले में साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिंगानुपात के मामले में पलवल हरियाणा प्रदेश में पहले नंबर पर आ चुका है। जिले में 1000 लड़कों पर 941 लड़कियों ने जन्म लिया है, जबकि 933 के साथ पंचकुला दूसरे स्थान पर और 929 के साथ जींद ने तीसरा स्थान हासिल किया है। लिंगानुपात की स्थिति इस समय इस जिले में पहले से बेहतर हुई है। इस समय हम 941 हमारी सेक्स रेशो है, यानी कि 1000 लड़कों पर 941 लड़कियां हैं। यह हरियाणा में इस समय पहले स्थान पर है। पलवल जिला पहले स्थान पर इस समय है, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। और इस पे विभिन्न प्रकार की कार्रवाई हम लोग करते रहते हैं। सबसे बड़ा तो हम कुछ पीएनडीटी जो एक्ट है उसके अनुसार जब भी हमें कोई ऐसी शिकायत मिलती है कि कहीं पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, कहीं पे लिंग जांच हो रही है, तो हम टीम का गठन किया जाता है और उस टीम के द्वारा उनको पकड़ा जाता है और फिर कोर्ट की कार्रवाई चलती है और जो भी सजा उसमें मिलती है वो दोषियों को सजा भी मिलती है। वहीं एसएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने लोगों से अपील भी की है कि वो बेटियों का ध्यान रखें। यही अपील है कि थोड़ा सी हम सबको अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी, हमें समझना होगा
कि बेटी बेटों से कहीं भी कम नहीं है, बेटी बेटों से आगे हैं, हम उनको जन्म लेने दें, हम उनको बढ़ावा दें, बेटियों को उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके अधिकारों का पूर्ण ध्यान रखें। और मैं आज 11 अक्टूबर को बालिका दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, तो उसके लिए भी सभी फीमेल्स को इसकी बधाई देता हूँ। और इस कार्य के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपनी सेक्स रेशो को बिल्कुल लड़कों के बराबर लड़कियों को लेकर आए। बेटियों की बढ़ती संख्या इस बात का सबूत है कि आज लोगों में जागरूकता बढ़ी है और बेटियों को बेटों से ज्यादा दर्जा मिलने लगा है। पढ़ाई से लेकर खेलों में बेटियां आज आगे बढ़ रही है और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। सौरभ वर्मा, पलवल से सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।